एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो एक छोटा सा ट्रैवल व्लॉग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें हमने अपने 4 मंथ की बेबी के साथ ट्रैवल किया था। हम ट्रैवल कर रहे थे दिल्ली टू भोपाल दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए मेरे इन लॉज के वहाँ, लाइक मेरे बेबी के दादा दादी के साथ जो भोपाल में रहते हैं। द रीज़न आई एम शेयरिंग दिस वीडियो विद यू गाइज इज़ मुझे लगता है कि जिनका भी छोटा बेबी है एंड वो सोच रहे हैं कि ट्रैवल करना है उन्हें, बट लाइक कैसे कम्फर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, तो मे बी दिस वीडियो कैन हेल्प यू। सो लेट्स बिगिन। तो आप देख सकते हैं कि संडे का दिन है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं एंड जब भी मैं उठती हूँ तो मैं हमेशा विंडो के बाहर देखती हूँ, सो दैट यू नो देख सकूँ कि बाहर कैसा मौसम है। तो पूरा डार्क था एंड फिर मैं अपनी बेबी के साथ पास गई, तो आप देख सकते हो वो सो रहा था। फिर मैंने उसे जल्दी से फीड कराया क्योंकि वो रोने लगा था एंड फिर बस उसके बाद हम लोग ऐसे ही अपने रैंडम क्लिक्स करते रहते हैं कि कभी भी मौका मिलता है पिक्चर्स ले लेते हैं। तो ये क्लिप है जब हम कैब में बैठ गए थे बिकॉज जल्दी जल्दी तैयार होना था। तो आप देख सकते हो कि मेरा बेबी थोड़ा सा स्लीपी फील कर रहा है बिकॉज एकदम से सुबह सुबह तैयार होके हम लोग निकल गए थे एंड ये हमारा लगेज है, हमने सामने की सीट पर रख दिया था एंड ही इज़ माई हस्बैंड। तो बस आप देख रहे हो कि कभी कभी धूप आ रही थी, नहीं आ रही थी, तो वो कभी आँख खोल रहा था एंड कभी आँख बंद कर रहा था एंड एक मैं भी जो क्लॉथ है वो उसके ऊपर रख रही थी, कभी हटा रही थी, सो दैट आती रहे धूप एंड क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुके थे, बट बहुत तेज़ धूप भी ना लगे अदरवाइज़ वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करेगा। तो बस ये कुछ रैंडम क्लिक्स है जो मैंने लिए थे, बीच में वो सो भी गया था तो आप देख सकते हो। तो मुझे जब भी मौका मिलता था, जब भी मेरा एंगल ठीक बनता था, मैं हमेशा उसके क्लिक्स लेती रहती हूँ। सो या तो आई थिंक यहाँ पर हम बस एयरपोर्ट पहुँच ही गए हैं एंड तब तक वो पूरी तरह सो चुका था, वो गहरी नींद में आ चुका था। तो ये क्लिप है जब हम एयरपोर्ट के बाहर कैब से उतर गए थे एंड जैसे हम उतरे हमने मेरी बेबी का प्रैम खोल दिया था बिकॉज एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी कन्वीनियंट वे टू ट्रैवल विद अ बेबी। एक छोटा सा ट्रैवल फ्रेंडली पॉकेट प्रैम है एंड दिस हैज़ रियली मेड अ लाइफ ईजी बिकॉज इससे आप अपने बेबी के साथ बहुत कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हो। आपके दोनों हैंड्स थोड़े से फ्री रहते हैं एंड आप देख सकते हो यहाँ पे हम बोर्डिंग पास ले रहे हैं अपने एंड वो बिल्कुल हमारा बेबी पूरी तरह कंफर्टेबल है। यहाँ पे हम लोग का सिक्योरिटी चेक हो चुका था एंड मेरे हस्बैंड का कॉल आ गया था आई थिंक एंड फिर बस हम लोग फिर से शुरू हो गए। हम लोग हैमलेस के सामने थे एंड मैं भी इसको एक मेमोरी बनाना चाहती थी बिकॉज आई एम श्योर कि जब अभियुक्त बड़ा हो जाएगा, अभियुक्त मेरे बेबी का नाम है, तो जब ये बड़ा हो जाएगा तो डेफिनेटली ये अब अंदर स्टोर में जाएगा एंड डेफिनेटली टॉयज मांगेगा। तो बस अभी तो वो प्राइम में है तो वो बस मेरे साथ ही इंगेज कर रहा है। तो आप देख सकते हो कि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आर गेट, हम गेट की तरफ जा रहे हैं एंड एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया था, हम लोग बात करने में और कैमरे को हैंडल करने में इतने बिजी हो गए थे कि हमें जाना था राइट की तरफ, पर हम स्टार्ट हम लोग को अपने गेट का हमें लगा कि लेफ़्ट की तरफ है, हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट में चले गए एंड तब जाके पता चला कि हम पूरे गलत गेट पे आ गए। देन अगेन हमने पूरा वापस से ट्रैवल किया एंड अगेन थैंक्स टू दिस प्रैम, अदरवाइज तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता बिकॉज दिल्ली के एयरपोर्ट्स में हमारा फ़्लाइट टर्मिनल 3 से था। टर्मिनल 3 इज़ रियली ह्यूज एंड जो ट्रैवल जो गेट्स के बीच में ट्रैवल करना होता है वो बहुत बहुत दूर दूर है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज़ क्या होता है छोटा बेबी होता है तो आपको उसकी नेक भी संभालनी होती है एंड आप भी चल रहे हो, बेबी भी चल रहा है, बेबी इधर उधर मूव करता है, देखता है एंड जब तक बच्चा बैठना नहीं सीख जाता बिकॉज़ वो अभी 4 मंथ का ही था, तो क्या होता है कि जब तक वो बैठना नहीं सीखता है एंड उसके नेक अब स्टेबल हो गई थी, पर ऐसा भी नहीं है कि एकदम से हम उसे लूज छोड़ सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप गोदी में लेके आप कितना चलोगे बिकॉज गोदी में आप भी थक जाते हो एंड यू कैनॉट टेक रिस्क विद योर बेबी राइट। तो बस ये है कि हम लोग अब इससे आराम से हम ट्रैवल कर रहे थे, बीच में देखो मौका लग के ना वो अपना अंगूठा पीने लगा था, ये उससे नया सीन आता
एंड ये छोटा सा टाइम है, मैं बीच बीच में आई मेक श्योर कि मैं उससे बात करती रहूँ, आई कॉन्टैक्ट करती रहूँ। अदरवाइज क्या होता है, बेबी मतलब थोड़ा घबरा जाएगा कि एक नए एनवायरनमेंट में, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझसे बात कर रहा है ताकि उसे ऐसा लगे कि हाँ ही इज देयर विद मी हिज फादर। पापा की पंचायत घूमी घूमी कर रहे, पापा की पंच घूमी घूमी कर रहे जा रहे, बाबा की पास जा रहे, बाबा के पास, बाबा के पास जा रहे, बाबा के पास, कुछ बाबा के पास जा रहे, दादी के पास जा रहे, बाबा के पास जा रहे, दादी के पास जा रहे, बाबा के पास जा रहे, दोनों के पास जा रहे। हाँ सो यहाँ पे हम फाइनली अपने गेट के सामने पहुँच गए हैं एंड अगेन ही इज कम्फर्टेबली रेस्टिंग इन हिज प्राम। ये उसका डायपर बैग है एंड ही इज माय हस्बैंड और हम बस वेट कर रहे थे एंड ये मैं हूँ। बीच में उसे फीड कराने लगी बिकॉज ऑब्वियसली आप मतलब थोड़ी थोड़ी देर में हम लोग उसे फीड करा देते हैं। कि वो बहुत खुश था, वो इधर उधर देख रहा था जहाँ पे भी उसे लग रहा था कि मतलब इधर से साइड से राइट साइड से आवाज़ आती थी तो उधर टर्न करके देखने लगता था, लेफ्ट साइड से आवाज़ आती थी तो वहाँ टर्न करके देखने लगता था। सो बस ये है, थोड़ी देर बाद दो मैंने उसे उठा लिया था बिकॉज अब वो मुझे पता था कि वो क्रैंकी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद मैंने उसे उठा लिया था। बट यहाँ पर हम लोग ऐसे ही टाइम स्पेंड कर रहे थे, हम लोग काफ़ी जल्दी आ गए थे बिकॉज डेफिनेटली वेन यू ट्रैवल विद योर बेबी तो आपको कुछ पता नहीं रहता है, तो यू ऑलवेज वॉन्ट टू बी सेफ। हमें पता है कि पहले तो ऐसा होता था कि हम लोग कभी भी मतलब लेट भी फ्लाइट कर सकते थे, बट अब आप इतना रिस्क नहीं ले सकते, तो हम आराम से आ गए थे। हमारे पास काफ़ी टाइम था, बस लास्ट मोमेंट पर ज़रूर हो गया था कि हमारा गेट चेंज हो गया। तो यहाँ पर हम लोग फ्लाइट के अंदर हैं अब, वी वर जस्ट रेडी टू फ्लाई, तो ये लास्ट में मैं कुछ एरोप्लेन मोड में डालने से पहले मैं कुछ शूट कर रही थी एंड यहाँ पे वो सो चुका था बिकॉज एक दो घंटे हो चुके थे तब से वो जाग ही रहा था एंड खेल भी बहुत किया था तो अब वो सो चुका था। अदरवाइज़ ये हमेशा एडवाइस किया जाता है कि जब भी आप टेक ऑफ और लैंड कर रहे हैं तो आप अपने बेबी को फीड कराएं ताकि उसे डिस्कम्फर्ट ना हो। बट अगर मैंने अभी ये सेकेंड फ्लाइट है मेरी अभियुक्त के साथ, जब वो फर्स्ट फ्लाइट तब ली थी मैंने जब वो डेढ़ महीने का था, तब का और अभी का एक्सपीरियंस यही है कि वो दोनों टाइम सो गया था। तो अगर वो सो रहा है तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि मैं उसे उठा के फीड कराऊँ बिकॉज वो अगर सो रहा है तो मैं उसकी नींद ख़राब नहीं करना चाहती और सोते टाइम उसे कोई डिस्कम्फर्ट नहीं होता है। यहाँ पर तो वो ऐसा सोया था कि जब हम आप देखोगे आगे के वीडियो में कि जब हम लैंड भी कर गए थे इतना शोर था, एयरक्राफ्ट का भी शोर था एंड अनाउंसमेंट्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट वो नहीं उठा। एंड एक्साइटमेंट तो था ही डेफिनेटली बिकॉज ऑब्वियसली दिवाली मनाने जा रहे हैं, फैमिली के साथ दिवाली मनाने का एक अलग ही क्रेज़ होता है एंड ये अभियुक्त की पहले दिवाली है एंड वहाँ पे भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कि कब वो आएगा बिकॉज लास्ट टाइम जब वो मिला था तब वो डेढ़ महीने का था जब हम वहाँ से मतलब उनसे मिलकर आया था एंड यहाँ देख रहे हो आप वो स्माइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने लैंड कर लिया है एंड एज आई सेड वो अभी भी सो ही रहा था एंड ये बहुत ही क्यूट पिक लगी थी मुझे
सनलाइट बिल्कुल उसके फेस पे आ रही थी एंड यहाँ पे मैंने उसे जल्दी से क्लिक किया एंड आप देख सकते हो हम रुक गए हैं, एयरक्राफ्ट रुक गया है, वो अभी भी गहरी नींद में ही सो रहा है। एंड ऑब्वियसली जब हम बोर्ड करते हैं तो हमें प्रेफरेंस मिलती है पहले आने की, पर डीबोर्ड हमने लास्ट में किया था। यानी आप देख सकते हो जैसे ही हम फ्लाइट से डीबोर्ड कर रहे थे वैसे ही हमें ट्रैम वापस दे दिया गया था। एंड अगेन इट इज़ वेरी कम्फर्टेबल टू ट्रैवल विद दिस प्रैम व्हेन यू आर ट्रैवलिंग विद द बेबी, बिकॉज आपको वहीं से प्रैम मिल जाता है, आपको बिल्कुल भी अपने बेबी को बहुत बहुत देर तक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पे जब हम बेल्ट पे अपने लगेज का वेट कर रहे थे तब भी वो सो रहा था। एंड सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर आपका बेबी सो रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि वो उठ ना जाए, या बिकॉज अगर कच्ची नींद से बच्चे उठ जाते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत क्रैंकी हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए रुकी थी बिकॉज मुझे थोड़ा हेडेक हो रहा था, पर ये तब भी सो रहा था, तो दैट्स द बेस्ट थिंग। वो फाइनली तब उठा था जब हम लोग कार में बैठ गए थे एंड इसलिए मैं इसको शूट कर रही थी ताकि एक मेमोरी रहे कि हाउ कम्फर्टेबली वो सो रहा है एंड ना हमें दिक्कत हुई ना बेबी को प्रॉब्लम हुई। सो एंड आपकी देर इज़ अ फन इन ट्रैवलिंग, आपको हमेशा ट्रैवल करते वक्त अपने बेबी के साथ ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ डिस्कम्फर्ट हो रहा है एंड ये एक मेमोरेबल जर्नी बन जाती है। सो या अब बस हम लोग अपना लगेज लेके निकलने ही वाले थे एंड वी गॉट अ लगेज एंड सो यहाँ पे आप देख सकते हो अब जब हम कार में बैठ गए थे यहाँ पे ही इज़ सो हैप्पी इज ट्रैवलिंग एंड आप देख सकते हो अब उसे लगा एंड क्योंकि उसकी नींद पूरी हो चुकी थी वन एंड हाफ आवर्स की तो अब वो ही वॉज वेरी मच फ्रेश और बिल्कुल भी क्रैंकी नहीं हो रहा था। एंड आप देख सकते हो ये मैं उसके साथ कुछ क्लिक्स ले रही थी, पिक्चर्स ले रही थी एंड उसे लग रहा था कि वो कहाँ आ गया, सोया तो कहीं और था और आ कहीं और गया हूँ। तो यहाँ पे हम फाइनली अपने घर पहुँच गए थे एंड आप देख सकते हो कि अव्यू वॉज सो हैप्पी, उसके चेहरे पे एक अलग ही खुशी दिख रही है 3 महीने बाद अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने की। एंड या विद दिस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, एक छोटा सा ट्रैवल ब्लॉग था। एंड अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जो एक बेल आइकन है जो सब्सक्राइब के साथ में लगा हुआ है उसे हिट कर लीजिए ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, आप कोई वीडियो मिस ना करें। एंड प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।